इस व्रत की बहुत महिमा मनाई मानी जाती है और ये व्रत जो है हमें सौभाग्य देता है। कहते हैं कि इसका जो महत्व है वह 10 लाख व्रतों के बराबर है। इसके कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। दिन में हमें इस दिन विष्णु प्रभु की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की आपने पूजा करनी है दीप धूप अर्चना के साथ, और दिन में एक बार आपने भोजन करना है और कुछ वांछित चीजें हैं जिसका प्रयोग आपने नहीं करना, जैसे कि शहद, मसूर की दाल, चने, दही और का आपने प्रयोग नहीं करना। और ये भी माना जाता है कि दोबारा भोजन नहीं माना जाता और नमक का सेवन भी आपने नहीं किया जाता इस दिन। अगर आप ये पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत करेंगे तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, सौभाग्य की वृद्धि होगी, सारे रुके हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे। और कहते हैं कि अगर किसी स्त्री को कोई परेशानी है और जन्म मरण के बंधनों से आप इस व्रत को करते हैं तो जन्म मरण के बंधनों से भी आप दूर होते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इस दिन ये उपाय करेंगे तो आपकी ये कुछ परेशानियाँ जो जीवन और विवाह को लेके या प्रेम संबंधों को लेके जो परेशानियाँ हैं वह खत्म होनी है। तो वरुथुनी एकादशी व्रत के दिन आप अगर ये उपाय करेंगे, अगर आपके सुखी दंपत्य जीवन चाह रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण को रोली चढ़ाएं, इससे आपके घर की परेशानियाँ जो हैं दंपत्य जीवन की परेशानियाँ दूर होंगी। अगर आपका प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है, आपका प्रेमी आपसे रुष्ट हो जाता है या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो इस दिन आपने राधा कृष्ण को रोली चढ़ानी है जिससे आपके प्रेम में साथ और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश है और ग्रह कलेश करने के कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बाल गोपाल को दही का भोग लगाना है। रोग से आप पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, रोग से आप मुक्ति चाह रहे हैं, तो आपने भगवान विष्णु को मूंग की दाल का भोग करना है, अर्पण करना है। सौभाग्य की अगर प्राप्ति चाहते हैं, जीवन में अगर सौभाग्य चाहते हैं, आप महसूस करते हैं कि सौभाग्य की कमी है, तो विष्णु जी को हल्दी लगाएं, जिससे आपके जीवन में सार्थकता आएगी और सौभाग्य आएगी। इन नियमों को पालन करते हुए अगर आप ये छोटे से उपाय करेंगे, थोड़े से आप उपाय करेंगे, तो आपको वरुथुनी एकादशी व्रत का पूरा महत्तम प्राप्त होगा, पूरा फायदा प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, आपके सारे दुख दूर होंगे, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और आप जो है सुखी जीवन की तरफ, राह की तरफ चल पड़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।